कितने नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स होंगे किसी भी कम्यूटेटिव रिंग में, जो फील्ड होता है उसमें कितने मैक्सिमल आइडियल्स होते हैं, और R1 और R2 अगर दो रिंग है तो R1 क्रॉस R2 के मैक्सिमल आइडियल्स को कैसे लिखा जाता है। अगर दो मैक्सिमल आइडियल्स है तो क्या उसका इंटरसेक्शन में मैक्सिमल आइडियल होगा? मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैक्सिमल आइडियल से रिलेटेड हर उन बातों का जिक्र होना है, है ना, जो CSIR नेट के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, शुरुआत हम निश्चित तौर पे इसके डेफिनेशन से करेंगे और उसके बाद कितने नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स होते हैं हर एक रिजल्ट को यहाँ पे बहुत अच्छे से हाईलाइट करने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि आप सीधा उसको दिमाग में भी रख सकते हैं और सीधा नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की संख्या, जैसे मैक्सिमल आइडियल्स की संख्या या नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स फाइंड आउट करने से पहले हमें समझना भी चाहिए कि मैक्सिमल आइडियल्स क्या होता है, ठीक है। तो मेरे जस्ट बगल में, मतलब मैं अगर इस साइड बैठा हूँ तो उस साइड देखिए वो लिखा रहा होगा कि किस टाइम इंटरवल में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। कहने का मतलब डेफिनेशन के लिए इस वीडियो में कितना टाइम देने वाले हैं मैक्सिमल आइडियल पे। अगर मान लीजिए आपका डेफिनेशन एकदम क्लियर है तो उसके बाद नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स जेड का किस टाइम इंटरवल पे आप किस तरह के फील्ड या रिंग के लिए मैक्सिमल आइडियल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, एक के बाद एक चीज़ वो लिखा रहा होगा, ठीक है। तो आप अपने टाइम का जो बचत है वो इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम तो इस वीडियो में जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, मैक्सिमल आइडियल की परिकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, उस सब को यहाँ पे शुरुआत में लेकर के चलेंगे और उसके बाद जो फॉर्मूला वगैरह है उसको भी एक के बाद एक, एक के बाद एक हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ाते चलेंगे। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को 1.5x मतलब डेढ़ गुना स्पीड पर देख सकते हैं, जिससे कि आपके समय की और भी ज़्यादा बचत हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए मैक्सिमल आइडियल का जो डेफिनेशन है, जो शब्द है यहाँ पे मैक्सिमल, ठीक है, इसी में छिपा हुआ है मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। यहाँ पे ये जो वर्ड है मैक्सिमल, इसी में इसका जो परिभाषा है, जो कॉन्सेप्ट है वो छिपा हुआ है। वो कैसे? उसके लिए सबसे पहला जो काम होता है, हम लोग आर एक कम्यूटेटिव रिंग लेते हैं। आर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? कम्यूटेटिव रिंग। देखिए रिंग थ्योरी पे हमने ऑलरेडी जो कोर्स है वो बना रखा है, मतलब कंप्लीट हो रहा है इसी इन्हीं वीडियोस के माध्यम से। आई बटन पे रिंग थ्योरी का जो आपका कोर्स है वो निश्चित तौर पे आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पे भी क्लिक करके रिंग थ्योरी पे जो कोर्स है उसको एक बार देख लीजिए। प्लेलिस्ट रियल एनालिसिस ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है इस चैनल पर, उसका भी पूरा प्लेलिस्ट है, कम से कम 90 आवर्स या उससे भी ज़्यादा घंटे का, ठीक है। तो एक बार चाहे तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए R हमने एक कम्यूटेटिव रिंग लिया है, एन आइडियल A। अब यहाँ पे ये जो आइडियल है, आइडियल वगैरह का डेफिनेशन इससे मतलब जो है जो कोर्स हमने बनाया था रिंग थ्योरी पे उसमें ऑलरेडी दिया जा चुका है आइडियल क्या होता है, लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, कितने आइडियल्स होंगे, सारी बातें। आज जो बात होगी मैक्सिमल आइडियल्स की होगी। R जो है कम्यूटेटिव रिंग है, एन आइडियल A जो कि R के बराबर नहीं है,
ठीक है, जब हम यहाँ पे मैक्सिमल आइडियल की बात करेंगे तो हम जो रिंग है उसको मैक्सिमल आइडियल के रूप में नहीं देखते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा ए नॉट इक्वल्स टू आर इज सेट टू बी मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, इसको हम लोग मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर कहेंगे कब इफ़ देयर एग्जिस्ट। देखिए यहाँ पे ये जो है ना एक्चुअली में कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन कहता है कि अगर एग्जिस्ट कर गया, देख रहे हैं, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन आइडियल बी इन आर, ठीक है, आइडियल बी इन आर, यहाँ पे आर वही कॉम्यूटेटिव रिंग वाला ही है, ठीक है, बी इन आर सच डैट, कहने का मतलब ए अगर मैक्सिमल है, ठीक है, तो अगर कोई दूसरा एक आइडियल है बी जो कि ए और बी के बीच में आ जाता है, मतलब ए इज़ द सबसेट ऑफ बी इज़ द सबसेट ऑफ आर, तो इस केस में चूंकि ए मैक्सिमल है इसका मतलब है कि या तो आइदर ए इज इक्वल्स टू बी होगा और बी इज इक्वल्स टू आर होगा। कहने का मतलब ये है, आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो ये यही कह रहा है कि आर एक कम्यूटेटिव रिंग है और जो आइडियल ए है वो आर के बराबर नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग मैक्सिमल तब कहेंगे जब भी हम कोई आइडियल ए से बी के बीच में इंसर्ट करना चाहें तो प्रॉपरली इंसर्ट कर ही ना पाए, मतलब ए और आर के बीच अगर कोई आइडियल रखेंगे भी ना तो वह या तो स्वयं ए होगा या तो वह बी आर के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ए और आर के बीच जो मैक्सिमल आइडियल है वो ए है, ठीक है, ए से बड़ा कोई भी आइडियल ए और रिंग के बीच में नहीं है, इसलिए इसको मैक्सिमल आइडियल बोला जाता है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। यहां पे क्या लिखा है, इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडियल बी इन आर, अगर हम कोशिश करेंगे कि ए और आर के बीच एक आइडियल इंसर्ट करें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि या तो ए स्वयं बी के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ए और आर के बीच कोई दूसरा आइडियल नहीं है, ए मैक्सिमल है, या फिर जो बी है वो स्वयं आर के बराबर हो जाएगा, इसका भी मतलब यही हुआ कि ए और आर के बीच कोई दूसरा आइडियल नहीं है, यानी कि ए जो है वह मैक्सिमल है। उम्मीद है कि ये जो परिभाषा है डेफिनेशन है ये समझ में आ गया होगा, लेकिन ये समझदारी और अच्छा हो जाएगा जब हम लोग यहाँ पर एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से इस परिभाषा को और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उन नोट्स पे उन रिजल्ट्स पे भी आएंगे जिससे हम सीएसआई नेट के क्वेश्चंस को बहुत क्विकली कर सकते हैं। लेकिन इस परिकल्पना को, इस कॉन्सेप्ट को कि भाई अगर एक आइडियल बीच में रख दिए तो या तो ए उसके बराबर हो गया या वह जो आइडियल बी है वो आर के बराबर हो गया, इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि एक छोटा सा सवाल है, फाइंड द मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ जेड सिक्स, फाइंड ऑल मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ जेड सिक्स, ठीक है, जेड सिक्स का मैक्सिमल आइडियल निकालना है, यानी कि जो कॉम्यूटेटिव रिंग हमने लिया है ये जेड सिक्स के रूप में लिया है, तो सबसे पहले जो आइडियल्स लिखते हैं, आइडियल्स ऑफ जेड सिक्स, जो कि हमने अपने ही इस चैनल पे बहुत अच्छे से लिखना सिखाया हुआ है, तो जो आइडियल्स होगा वो क्या क्या होगा जेड सिक्स के लिए, डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग जो है सिक्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 into 3, तो ये यहाँ पे ज़ीरो के रूप में दिखेगा, एक आइडियल तो ये हो जाएगा। आई टू की बात करें तो दूसरा आइडियल जनरेट होगा 2 से, जिसको कि हम प्यार से 2Z6 भी लिख सकते हैं, और इसमें जो एलिमेंट्स होगा 0, 2, 4 के रूप में होगा। तीसरा जो आइडियल होगा वो प्राइम 3 के द्वारा जनरेटेड होगा, जिसको कि हम प्यार से 3Z6 लिख सकते हैं, और निश्चित तौर पे इसका जो एलिमेंट होगा वो 0 और 3 के रूप में यहाँ पे नज़र आएगा, और चौथा जो आइडियल होगा वह स्वयं Z6 होगा। तो अब आप बताइए, अगर हम इसमें इसके Z6 के अंदर इसके मैक्सिमल आइडियल्स की बात करें तो कौन कौन सा हो सकता है। सबसे पहला चीज़
जो परिभाषा में दिया हुआ है कि कोई भी अगर मैक्सिमल आइडियल होता है तो वह रिंग के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए Z6 जो है, ये I4 जो है, ये तो ऑलरेडी रिंग के ही बराबर है आइडियल के रूप में, तो ये कभी भी मैक्सिमल नहीं होगा। इसका बात तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ I1 की, तो अगर I1 मैक्सिमल है, I1 अगर मैक्सिमल है, ठीक है, तो इस तरीके का एक सीन बना देंगे और फिर देखेंगे कि क्या इस बीच यहाँ पे जो रिंग है, रिंग यहाँ पे क्या है, Z6, Z6 के पास कोई और भी आइडियल है जो कि इस बीच में फिट बैठ सकता है, जो I1 और R के अलावा हो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके बीच में I2 भी फिट बैठता है, क्योंकि I1 में सिर्फ 0 एलिमेंट है और I2 में 0 के साथ साथ 2 और 4 भी है, तो I2 यहाँ पे फिट बैठ गया। और हम ये भी देख रहे हैं कि I1 I2 के बराबर नहीं है और ना ही I2 Z6 के बराबर है, ठीक है। जबकि अगर I1 मैक्सिमल होता और उसके बीच अगर कोई आइडियल को हम इंसर्ट करते तो I1 या तो I2 के बराबर हो जाता या फिर जो आपका I2 है वो रिंग के बराबर हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम ईजिली I2 को इंसर्ट कर दिए, या अगर आप चाहें तो I3 को भी इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके पास भी 0 और 3 दोनों हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि I1 जो है ये मैक्सिमल नहीं है, क्योंकि अगर यह मैक्सिमल होता तो इसके और रिंग के बीच अगर किसी आइडियल को प्लेस करते तो वह बीच वाला आइडियल या तो I1 के बराबर हो जाता या फिर I2 के बराबर हो जाता। तो यहाँ से 4 आइडियल Z6 के दिख रहे थे जिसमें I1 और I4 तो मैक्सिमल नहीं हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, तो निश्चित तौर पे I2 के बारे में। तो देखिए हम यहाँ पे I2 ले लिए, बीच में इंसर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर पूरा का पूरा रिंग यानी कि Z6 यहाँ पर हमने ले लिया है। अब देखिए अगर आप I2, अब इसके पास आइडियल्स के नाम पे है ही क्या, एक I3 है, तो I2 में 0, 2, 4 है और I3 में 0 और 3 है, तो I2 जो है वो I3 के अंदर कंटेंट है नहीं, तो I3 को हम यहाँ पे मतलब जो है इंसर्ट नहीं कर सकते। I4 अगर हम यहाँ पे I4 को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो यह R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें बीच में अगर हम I4 को इंसर्ट किए और यह R के बराबर हो गया तो I2 अपने आप मैक्सिमल हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमलिटी का यही तो है कि अगर बीच में कोई आइडियल हमने इंसर्ट किया अगर वह या तो R के बराबर हो गया या स्वयं I2 के बराबर हो गया तो वह मैक्सिमल हो जाएगा। तो यहाँ से यह क्लियर हो गया कि I2 जो है वो मैक्सिमल हो जाएगा अगर हम बीच में I4 इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। I1 को इंसर्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि I1 में सिर्फ 0 एलिमेंट है जबकि I2 में 0, 2, 4 है। I3 को भी हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि I3 के अंदर I2 तो I2 उसका सबसेट है ही नहीं क्योंकि I3 के अंदर 0 थे। तो या तो इसके अंदर I4 इंसर्ट होगा या स्वयं I2 इंसर्ट होगा। अगर I2 इंसर्ट हुआ तो वह स्वयं के बराबर है, I4 इंसर्ट हुआ तो वह रिंग के बराबर है। इसका मतलब I4 जो है वो क्या है, मैक्सिमल आइडियल है। ठीक उसी तरीके से I3 को भी हम क्या कहेंगे, मैक्सिमल, क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम I4 को इंसर्ट करेंगे जो कि I3 को कंटेन करता है तो यह स्वयं Z6 के बराबर होगा। I2 को यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि अगर आप यहाँ पे I2 को रखोगे इसका मतलब I3 I2 का सबसेट है जबकि I3 के पास 3 है, I2 के पास नहीं है 3, तो I2 को यहाँ पे रख नहीं सकते। तो इस बीच में या तो I3 आ सकता है या फिर I4 आ सकता है और जो I3 है वो स्वयं I3 के बराबर होगा, I4 है वो Z6 के बराबर होगा, यानी I3 और Z6 के बीच में किसी दूसरे आइडियल को प्रॉपरली इंसर्ट नहीं कर सकते, यानी कि जो आपका I3 है वो भी क्या है, मैक्सिमल है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि Z6 के अंदर ये जो I2 जो कि 2 के द्वारा जनरेट हो रहा है और I3 जो कि 3 के द्वारा जनरेट हो रहा है ये निश्चित तौर पर अब मैक्सिमल आइडियल होगा। यहाँ पे एक बेहतरीन ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है कि ये जो आपका 6 है, ये जो 6 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2/3 होगा, होगा कि नहीं, प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 2/3। तो 6 के 2 प्राइम फैक्टर्स है और
मतलब जो है सौभाग्य से दो ही मैक्सिमल आइडियल हैं। तो क्या हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं, और यही है अगला रिजल्ट। मतलब बार बार अब आपको मतलब जो है आइडियल्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जेड सिक्स है। अगर जेड 600 रहेगा तब कैसे नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स निकालेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है, और फॉर्मूला बहुत ही शानदार। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप हमेशा अपने दिलो दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इस रिजल्ट पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन है सीएसआईआर नेट का वो आता है। सबसे पहला जो रिजल्ट है वो यही है, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन जेड एन, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन जेड एन। जेड एन में टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स क्या होगा? तो ये होता है बराबर नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ एन, प्राइम डिवाइजर्स ऑफ एन। इसको आप याद रख लीजिए, लेकिन ये जेड एन के लिए वैलिड है, इस बात का निश्चित तौर पे ख्याल रखा जाना चाहिए, जेड एन के लिए वैलिड है। प्राइम डिवाइजर्स की जो संख्या है एन का, वही नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन जेड एन होगा। जैसे यहाँ पे जेड सिक्स है, तो सिक्स के प्राइम डिवाइजर्स की संख्या दो है, और हमने देखा कि दो मैक्सिमल आइडियल्स यहाँ पे हो गए थे। तो ये जो फॉर्मूला है इसको उसी को हमने जनरलाइज कर दिया है, और आप इसे याद रख सकते हैं और कहीं पे भी यूज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन जेड एन ये नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ एन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास जेड 100 है, ठीक है, तो आप बताएं कि इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स, ठीक है, क्या होंगे किसके अंदर? तो जेड 100 के अंदर नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स क्या होंगे? अब तुरंत यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ एन, तो कितने नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स हैं? तो यहाँ पे इसके दो ही प्राइम डिवाइजर्स देखने को मिले, एक कौन सा? तो 2, और दूसरा कौन सा? तो 5। तो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। और जो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स होंगे उसको अगर हम लिखना चाहें तो वो दिखेगा कैसा? तो जो आपका दोनों ही मैक्सिमल आइडियल्स है, कितने मैक्सिमल आइडियल्स हो गए? 2, क्योंकि कितने प्राइम डिवाइजर्स हैं? 2, किस किस रूप में? तो 2 और 5 के रूप में। तो यहाँ पे जो आपका एक मैक्सिमल आइडियल होगा ये हो जाएगा आपका, जो कि जनरेट होगा 2 से, इसको हम 2Z100 लिख सकते हैं। और दूसरा जो मैक्सिमल आइडियल होगा जो कि जनरेट होगा 5 से, इसको हम लोग 5Z100 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दो मैक्सिमल आइडियल्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। देखिए रिजल्ट नंबर 2 जो है वो भी इंटरेस्टिंग है। अगर आपका रिंग इस तरीके का है ZP²Q, ठीक है, तो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स क्या होगा बताइए? नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स, आप भी जानते हैं कि यहाँ पे जो है जेड एन के जगह पे क्या लिखा हुआ है, मैंने एन को लिखा है P²Q, इसका मतलब दो प्राइम डिवाइजर्स है पी और क्यू के रूप में। तो सीधा इसको देखते ही इस फॉर्म में हम क्या कह देंगे कि इसके मैक्सिमल आइडियल्स की संख्या 2 होगी। और वो मैक्सिमल आइडियल्स दिखेगा कैसा? तो निश्चित तौर पे एक तो P से जनरेट होगा, और दूसरा किससे जनरेट होगा? Q से जनरेट होगा। मैक्सिमल आइडियल्स पे जो तीसरा रिजल्ट है वो ये है कि भाई मतलब Z के अंदर जो मैक्सिमल आइडियल्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मतलब जो है प्रूफ में बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट को बिल्कुल क्लियर करके यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, जिसका यूज आप कर सकते हैं एग्ज़ाम में डायरेक्टली। MZ जो होता है M into Z, ठीक है, इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड, इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड, मतलब जेड का जो मैक्सिमल आइडियल है वो MZ होगा सिर्फ और सिर्फ तब जब M जो है वो प्राइम हो। समझ में आ गई बात? तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब इज 2Z मैक्सिमल आइडियल इन जेड, आइडियल इन जेड, तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो प्राइम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ 3Z
मैक्सिमल आइडियल इन जेड, इसका भी आंसर होगा यस। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ज़ीरो मैक्सिमल आइडियल इन जेड, आंसर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो और जेड के बीच में हम आइडियल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं जेड मैक्सिमल आइडियल इन जेड, इसका आंसर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जेड स्वयं रिंग के बराबर हो जाएगा, तो वो तो परिभाषा के शुरुआत में ही वो नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं 4z मैक्सिमल आइडियल इन जेड, आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 प्राइम नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं 5z मैक्सिमल आइडियल इन जेड, इसका आंसर होगा यस, क्योंकि यहाँ पे 5 प्राइम है। अगर मैं पूछूं 6z मैक्सिमल आइडियल इन जेड, आंसर होगा नहीं, क्योंकि 6 यहाँ पे प्राइम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रिजल्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसमें इस रिजल्ट को याद रखना चाहिए, जिससे कि आप ऑप्शंस को देखते ही बता पाएँ, ठीक है। एम जेड मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड होगा सिर्फ और सिर्फ तब जब m जो है प्राइम के बराबर होगा। अब सवाल ये है कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स होंगे z में, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन z, तो बताइए वहाँ पे तो pz, जैसे मैक्सिमल आइडियल्स इन z कहने का क्या मतलब, pz, और ये जो p है ये इनफाइनाइट इन नंबर है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी, इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है। तो z के अंदर कितने मैक्सिमल आइडियल्स होंगे, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है। अब एक रिजल्ट है कि mz के अंदर कौन कौन से मैक्सिमल आइडियल होंगे, जैसे 3z के अंदर मैक्सिमल आइडियल क्या क्या हो सकते हैं, तो इस तरह की बातों का अब जिक्र है, तो इसके लिए ये रिजल्ट नंबर 4 है। जैसे इफ़ m ग्रेटर देन 0, m जो है ग्रेटर देन 0 है, देन जो आपका PMZ होगा इज़ मैक्सिमल आइडियल इन MZ, ठीक है। ये सब भी ऑप्शंस में मतलब जो है आ सकते हैं एज इट इज़। तो अब यहाँ पे जो है एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 6z इज मैक्सिमल इन 2z, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये m के जगह पे मैंने 2 लिया है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि m अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो आपका PMZ है वो मैक्सिमल आइडियल होगा MZ के अंदर, p यहाँ पे प्राइम है, तो यहाँ पे ये जो 2z है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2z लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए ये इस फॉर्म में आ गया ना PMZ में, इसमें p बराबर 3 है, m बराबर 2 है और ये z है, तो ये जो है मैक्सिमल इन 3z हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा अगर मैं यही पूछ लूँ कि 6z इज़ मैक्सिमल इन 3z, ये बताइए होगा कि नहीं होगा, तो भी हो जाएगा, क्योंकि इस बार हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 × 3z, तो PMZ के रूप में इसको भी लिखा जा सका, तो ये निश्चित तौर पे आपका जो है मैक्सिमल आइडियल के रूप में चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इस रिजल्ट को भी याद रखना चाहिए, अगर m ग्रेटर देन 0 है PMZ मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, किस में, MZ में। देखिए रिजल्ट 5 जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कहता है कि अगर f फील्ड है, इफ़ f इज अ फील्ड, ठीक है, ये सब डिस्कस किया जा चुका है हमारे कोर्स में, ठीक है, रिंग थ्योरी पे आप देखिए ना हमारे प्लेलिस्ट को। इफ f इज अ फील्ड देन f हैज एग्जैक्टली वन मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। अब होता क्या है मैं आपको बता दूं कि हमने अपने इसी YouTube वाले कोर्स में ये डिस्कस किया हुआ है कि इसके फील्ड अगर है ना, ये अगर f फील्ड है तो इसके एग्जैक्टली 2 मतलब आइडियल्स ही होते हैं, एक तो 0 और एक स्वयं, ठीक है। तो अब ये जो स्वयं f है
ये तो एफ के बराबर हो गया, और डेफिनेशन में ये कहता है कि जो मैक्सिमल आइडियल है वो स्वयं के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये तो आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। अब रही बात ज़ीरो की, तो ये ज़ीरो है और ये मान लीजिए रिंग के तौर पे, मतलब वहाँ पे कॉम्यूटेटिव रिंग के तौर पे यहाँ पे फील्ड दिया हुआ है। तो अब क्योंकि इसके पास दो ही आइडियल है, तो एक ज़ीरो है और एक एफ स्वयं है, तो एफ के पास कोई भी आइडियल यहाँ पे रखने के लिए है ही नहीं, ठीक है। तो ये ज़ीरो और एफ के बीच में कुछ भी यहाँ पे अपन प्लेस नहीं कर सकते, यानी कि ये अगर प्लेस करेंगे भी तो स्वयं ज़ीरो आइडियल के रूप में, तो ये स्वयं इसके बराबर हो जाएगा, और एफ़ को यहाँ पे हम प्लेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस रिंग पे हम डिफाइन करते हैं वह स्वयं खुद का मैक्सिमल आइडियल हो ही नहीं सकता, ए नॉट इक्वल्स टू आर शुरू में ही लिखाया गया। तो इसका अगर फील्ड है तो वहाँ पे एक मात्र मैक्सिमल आइडियल होगा, और वह स्वयं वह जो है वो ज़ीरो आइडियल जो होता है वो आपका मैक्सिमल आइडियल के रूप में वहाँ पे होगा। तो अगर इस तरह की चीज़ें दी हुई कि मान लीजिए क्यू है, तो इसके मैक्सिमल आइडियल की संख्या, मतलब मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन क्यू, इसका आंसर होगा 1। क्यों? क्योंकि Q क्या है, एक फील्ड है। अगर मैं बोलूं R में नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स कितनी होंगी R के अंदर, इसका भी आंसर क्या होगा, 1। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन C, आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि C भी एक फील्ड है। नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन ZP, फील्ड है, 1, ठीक है। नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन ZPI, ठीक है, ये भी क्या है, 1, क्योंकि ये सब फील्ड है। तो फील्ड के अंदर नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स की संख्या जो होती है वह 1 होती है, और जो मैक्सिमल आइडियल्स होगा इस सब के अंदर वह क्या होगा, तो निश्चित तौर पे वो कुछ और नहीं बल्कि I बराबर 0 के रूप में होगा। इसके अलावा कोई मैक्सिमल आइडियल इसके अंदर होगा नहीं, क्योंकि फील्ड है, तो या तो जीरो उसका आइडियल है या स्वयं वह खुद का आइडियल है, ठीक है। तो इसीलिए फील्ड है तो एग्जैक्टली 1 आइडियल। रिजल्ट नंबर 6 जो है वो डेडिकेटेड है मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ R1 क्रॉस R2 पे, ठीक है। मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ R1 क्रॉस R2, ठीक है। इसमें इसके अगर R1 क्रॉस R2 है, इसके मैक्सिमल आइडियल्स को अगर आपको लिखना है कैसे लिखोगे, इसका तरीका ये होता है आप R1 क्रॉस मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ R2 लिखो। अभी एग्जांपल से क्लियर कर देंगे। और इधर अगर आप मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ R1 ले लोगे, मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ R1, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट R2 के साथ करो। तो इस तरीके से सारे के सारे मैक्सिमल आइडियल्स लिखे जा सकते हैं R1 क्रॉस R2 के, ठीक है। एक उदाहरण से इसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फाइंड ऑल मैक्सिमल आइडियल्स, फाइंड ऑल मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Z30 क्रॉस Z8, Z30 क्रॉस Z8 के अंदर कितने मैक्सिमल आइडियल्स होंगे, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ Z30 क्रॉस Z8 की, ठीक है, तो हम सबसे पहले Z30 के सारे मैक्सिमल आइडियल्स को लिख लेंगे और Z8 के सारे मैक्सिमल आइडियल्स को लिख लेंगे, और उसके बाद इसकी सहायता से हम मतलब जो है आगे का जो बात है वो करने वाले हैं। तो जो मैक्सिमल आइडियल्स है Z30 का, जो कि पिछले रिजल्ट पे आधारित है ना, प्राइम प्रोडक्ट यहाँ पे होना चाहिए। 30 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6 × 5, है ना, तो 2, 3, 5, तीन चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसके मैक्सिमल आइडियल्स हो जाएंगे 2 Z30 और क्या, तो 3 Z30 और क्या, तो 5 Z30। इस तरीके से तीन आइडियल्स Z30 के हो गए। Z8 की बात करें तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का क्यूब, एक ही प्राइम डिवाइजर है,
तो एक ही इसका मैक्सिमल आइडियल होगा 2Z8 के रूप में, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ मैक्सिमल आइडियल्स ऊपर में ही लिख देता हूँ, क्या चलो ठीक है, मैक्सिमल आइडियल्स इन Z30 क्रॉस Z8। तो तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आप Z30 को एज इट इज़ लिख रहे हो तो उसका मैक्सिमल आइडियल लिखो, तो उसका तो मैक्सिमल आइडियल ये है 2Z8, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि Z30 के मैक्सिमल आइडियल्स लिखेंगे और उधर बार बार Z8 लिखना शुरू करेंगे, तो इसका मैक्सिमल आइडियल क्या है 2Z30 क्रॉस क्या हो जाएगा Z8, ठीक है। और मतलब जो है मैक्सिमल आइडियल्स अगर हम लिखना चाहें इसे थोड़ा ढंग से R, मैक्सिमल आइडियल्स इन दिस R, पहला ये I1 आपका हो गया कि मैंने Z30 R1 को एज इट इज़ लेना है, उधर वाले का मैक्सिमल आइडियल लेना है Z8 का, तो 2Z8। I2 जो आपका मैक्सिमल आइडियल है, हमने मैक्सिमल आइडियल इन Z30 लिया 2Z30 के रूप में, उधर पूरा का पूरा Z8 लेना पड़ेगा। I3 लेंगे तो Z30 का दूसरा मैक्सिमल आइडियल, उधर पूरा का पूरा Z8 लेना पड़ेगा। I4 लेंगे तो Z30 का मैक्सिमल आइडियल और उधर पूरा का पूरा Z8 लेना पड़ेगा। सो हैंस वी आर गोइंग टू गेट हाउ मेनी मैक्सिमल आइडियल्स इन Z30 क्रॉस Z8, सर्टेनली 4, है ना, एंड वी कैन सी ओवर हेयर। इस तरीके से हम लोग जो है R1 क्रॉस R2 में जो मैक्सिमल आइडियल्स है उसको लिखते हैं, ठीक है। रिजल्ट नंबर 7 जो है वो एक सवाल के तौर पे है कि क्या इंटरसेक्शन ऑफ टू मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ R मैक्सिमल होगा, इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू मैक्सिमल आइडियल्स इन R मैक्सिमल। R यहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, उसको रियल नंबर मत समझिएगा, यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव रिंग के रूप में इसको लिखा है, ठीक है। इज इंटरसेक्शन ऑफ टू मैक्सिमल आइडियल्स इन R मैक्सिमल, कि इंटरसेक्शन ऑफ दो मैक्सिमल आइडियल्स इन R क्या मैक्सिमल होगा, बताइए। आंसर है नीड नॉट, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं तो 2Z जो है मैक्सिमल है किस में, R में, सॉरी Z में, और 3Z जो है ये भी आपका मैक्सिमल है किस में, Z में। अब अगर हम 2Z इंटरसेक्शन 3Z निकालते हैं, 2Z इंटरसेक्शन 3Z, तो ये आपको पता है कि ये 6Z हो जाएगा। ये सब निकालना सिखाया है हमने रिंग थ्योरी के कोर्स में, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। 2 और 3 का LCM 6Z दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमल नहीं है, इज नॉट मैक्सिमल इन Z। क्यों नहीं है मैक्सिमल, क्योंकि Z में मैक्सिमल होता है PZ, पी प्राइम होना चाहिए, 6 इज नॉट अ प्राइम, देयरफॉर दिस इज नॉट मैक्सिमल इन Z। तो यहाँ से हमने देखा रिजल्ट नंबर 7 में कि 2 अगर मैक्सिमल आइडियल है तो उसका इंटरसेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमल हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो 7 रिजल्ट्स था मैक्सिमल आइडियल से रिलेटेड एट अ ग्लांस इस वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मैक्सिमल आइडियल पे प्रॉब्लम्स का वीडियो होगा, जिसमें कि ये जो 7 रिजल्ट्स है इसका डेफिनेटली यूज होगा, ठीक है। एक सवाल मैं आपको यहाँ पे दिए जाता हूँ, अगर हो सके तो निश्चित तौर पे आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। फाइंड ऑल मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ क्यू क्रॉस Z3i क्रॉस R, ठीक है। R यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स है, Z3i आप जानते हैं, और Q सेट ऑफ रेशनल्स है। तो आपको सारे मैक्सिमल आइडियल्स निकालना है,
कमेंट सेक्शन में आप सिर्फ इतना बता दीजिए कितने नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स होंगे। रिंग थ्योरी पे ऑलरेडी मतलब जो है हमने बहुत सारे वीडियो एक सीक्वेंस में डाले हैं, आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। उसके साथ साथ पूरा का पूरा रियल एनालिसिस इस चैनल पे ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए। कम से कम 100 आवर्स 90 वीडियोज़ होंगे, लेकिन ड्यूरेशन 100 आवर्स से भी ज़्यादा का होगा एक प्रॉपर सीक्वेंस में। रिवीजन बाजी में टोपोलॉजी के बहुत सारे मतलब जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हमने डिस्कस किया है, कनेक्टेडनेस कॉम्पैक्टनेस बिल्कुल क्लियर किया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और देखते रहिए पीके मैथ्स पंकज स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।